सब एयरपोर्ट के इनोग्रेशन को लेकर के क्या अब तक तैयारियां हो चुकी हैं और क्या प्लानिंग है सर इनोग्रेशन की? देखिए, एयरपोर्ट के संभावित तिथि जो है वो भूमि पूजन के लिए जो आई है 25 नवंबर आई है और शासन द्वारा अवगत कराया गया है, उसके अनुसार यहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मौके पर स्थान का चयन कर लिया गया है, स्थान पर लेवलिंग का काम हो रहा है, बाकी SPG के लोग भी वहाँ पर विजिट कर चुके हैं, उन्होंने पुलिस को नेसेसरी डायरेक्शंस दिए हैं। इस आयोजन के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसका भी चयन कल हो गया, उसको भी अवार्ड लेटर दे दिया गया है। बाकी काम धीरे धीरे प्रतिदिन होगा। अब लेआउट पे आज चर्चा होगी, वो लेआउट फाइनल होगा कि वहाँ कैसे बैठने का होगा, कैसे हेलीपैड का होगा, वो व्यवस्थाएँ होंगी। तो काम लगातार चल रहा है, तो अब उसी पर काम चल रहा है, इसके सिवा कोई काम नहीं है। सर, इसको जो एयरपोर्ट ही बनना है, इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी बताइए सर। देखिए, कंसेशन एग्रीमेंट में 2 रनवे के लिए ये कंसेशन हुआ है जो कि 4 सब फेजेस में पूरा होगा और 3 साल में ये शुरू हो जाएगा। 2024 में यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होगी। लेकर के क्या तैयारी हो रही है और 25 तारीख को कितनी भीड़ इकट्ठी होगी और क्या क्या प्लानिंग है? एयरपोर्ट की साइट आपने देखी होगी, वहाँ समतलीकरण का कार्य आरंभ है और जहाँ मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ उसके पीछे काफी ग्रामों के लोग खड़े हुए हैं और हम गांव-गांव मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और उनका स्वागत अभूतपूर्व हो। हमें उम्मीद है कि हमने जो ग्राउंड तैयार कराया वो तकरीबन 4 लाख लोगों की कैपेसिटी का है और हमारा प्रयास है कि 2.5 से 3 लाख लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री का स्वागत करें। चूंकि सैकड़ों वर्षों में ऐसी योजनाएं किसी क्षेत्र को मिलती हैं और यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बनने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए भी गेम चेंजर है। आने वाले समय में जेवर क्षेत्र इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है, यहाँ फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी आजादी के बाद से इस क्षेत्र ने दंश झेले थे, वह एक ही झटके में 2017 के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर्मठता ने, उनकी सोच ने और देश के प्रधानमंत्री के उस विजन ने कि जहां सबका साथ सबका विकास हो, उस सोच के साथ एक ही झटके में यहाँ सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है।